हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास टेंथ फर्स्ट यूनिट का सेशन नंबर टेन रियर एक्सेल पढ़ेंगे तो हम लोग फ्रंट एक्सेल के बारे में पढ़ चुके हैं आज हम लोग रियर एक्सेल और उसमें जो मेनली हम लोग जो फाइनल ड्राइव है हमारा ठीक है उसके बारे में इस सेशन में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ाइनल ड्राइव जो हमारा है ठीक है उसका काम क्या है द फंक्शन ऑफ द फाइनल ड्राइव आर फर्स्ट वन क्या है टू प्रोवाइड अ परमानेंट स्पीड रिडक्शन इन ठीक है सबसे एक चीज क्या है कि जो लास्ट स्पीड रिडक्शन है हमारी परमानेंट स्पीड रिडक्शन है वो फाइनल ड्राइव से होती है एंड ऑल्सो टू टर्न द ड्राइव अराउंड थ्रू नाइनटी डिग्री नाइन हंड्रेड है लिखा हुआ दैट इज नॉट नाइन हंड्रेड इट इज नाइन्टी डिग्री कि ड्राइव को 90 डिग्री पे भी टर्न करना है अब आप देखते हैं सामने से जब पावर जा रही है डिफरेंशियल में ठीक है फाइनल ड्राइव में हमारी तो वहाँ से दोनों एक्सल्स में लेफ्ट और राइट पे मुड़ जानी है 90 डिग्री पे पावर तभी व्हील्स तक पहुँचेगी तो वो भी हमारी फाइनल ड्राइव का ही काम है कि जो पावर है उसको नाइन्टी डिग्री पे टर्न कर दे द रिडक्शन प्रोवाइडेड इज अबाउट फोर इंस टू वन जो स्पीड रिडक्शन है वो फोर इंस टू वन होती है कार्स के केस में और जो हैवी व्हीकल है उसमें

टू स्टेप्स जो हायर रिडक्शंस है वो डबल स्टेप में होती हैं द डबल रिडक्शन हैज़ टू बी रिसो सो टू बिकॉज अदरवाइज द साइज ऑफ लार्जर गियर बिकम्स टू मच डबल रिएक्शन जो डबल है वो हमें क्यों करनी पड़ती है क्योंकि जो नहीं तो जो हमारा लार्जर गियर होता है फाइनल ड्राइव में उसका साइज नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा इतनी ज़्यादा रिडक्शन करने के लिए इसलिए हम उसको दो फेजेज में करते हैं द फाइनल ड्राइव इन प्रैक्टिसर शाफ्ट जनरली थ्रू अवर्सल ज्वाइंट तो जो बेवलपिनियन होता, 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 तो होता है वो एक शाफ्ट में कनेक्टेड होता है जो कि यूनिवर्सल ज्वाइंट के थ्रू हमारी प्रोपेलर शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है फ्रॉम द क्राउन व्हील द ड्राइव गोज टू द डिफरेंशियल क्राउन व्हील से ड्राइव क्या में चला जाता है डिफरेंशियल में चला जाता है एंड थ्री टाइप्स ऑफ गियर्स आर यूज फॉर द फाइनल ड्राइव गियरिंग जो फाइनल ड्राइव है उसमें तीन टाइप के जो गियरिंग है वो यूज़ की जाती है वो कौन कौन सी है ठीक है ये आपको रियर एक्सल का एक डायग्राम दिखाया गया है ठीक है न तो ये लास्ट में फाइनल यहाँ पे आपका प्रोपेलर शाफ्ट यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू लगी होती है फिर यहाँ से आगे आपकी फ़ाइनल ड्राइव लगी होती है और आगे आपका डिफरेंशियल है ठीक है तो फाइनल ड्राइव में जो फाइनल रिडक्शन है वो होती है बाकी रियर एक्सल है ड्रम एटसेट्रा है वो सब चीज़ें आप डायग्राम में देख सकते हैं तो टाइप्स ऑफ गियर्स जो हैं ठीक है तो, है, थीके? तो स्ट्रेट बेवल गियर्स यूज किए जाते हैं ठीक है थीके? तो दीज कंटेन द स्ट्रेट टीथ तो अब स्ट्रेट बेवल गियर्स कौन से होते हैं जिसमें कि जो टीथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो ठीक है दे आर दियर फोर सिंपलेस्ट तो ये सिंपलेस्ट जो गियरिंग मैकेनिज़म है वो होता है जिसमें स्ट्रेट टीथ होते हैं एंड दस द चीपेस्ट ऑफ ऑल टाइप और ये सबसे सस्ता भी है सभी टाइप ऑफ गियरिंग ठीक है नेक्स्ट आ गई स्पायरल बीबल गियर्स अब ये नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं स्पायरल बीबल गियर्स हैं द स्पायरल बेबल गियर्स हैव कर्व्ड टीथ अब जो ये गेयर्स होते हैं इनके टीथ क्या होते हैं कर्व्ड होते हैं ठीक है विच रिजल्ट इन ग्रेटर कॉन्टेक्ट ऑफ द टीथ इसका फ़ायदा क्या है कि जो टीथ कॉन्टैक्ट है इस केस में वो ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस द स्पायरल गियर्स आर साइलेंट रनिंग एंड स्ट्रोंगर देन द स्ट्रेट बेवल गियर्स इसकी वजह से क्या है जो स्पायरल बेवल गियर्स हैं वो साइलेंटली चल काम करते हैं इनसे नॉइस ज़्यादा नहीं आती है एंड दे आर मच स्ट्रोंगर देन द स्पायरल स्ट्रेट बेवल गियर्स ठीक है नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट इज हाइपोइड गियर्स हाइपोइड गियर्स क्या होते हैं तो आप इमेज भी देख सकते हैं ठीक है इन दिस टाइप ऑफ गियर्स आर वाइडली यूज फॉर फाइनल ड्राइव डी स्टेज आजकल यही गियर्स जो हैं ज्यादातर यूज किए जाते हैं ठीक है फाइनल ड्राइव के लिए एज इज क्लियर फ्रॉम द केस ऑफ हाइपोइड गियर्स द पिनियन शाफ्ट इज प्लेस्ड बिलो द एक्सिस ऑफ द क्राउन व्हील तो जो ये क्राउन है इसका जो एक्सिस है ठीक है आप देख सकते हैं जो इसका हॉरिजोनटल एक्सिस है उसके नीचे ऑफसेट की है जो आपकी पिनियन ड्राइव की शाफ्ट है दिस परमिट्स अ लोअर पोजिशन ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट इसकी हेल्प से जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसकी पोजीशन हम कम कर सकते हैं लोअर पोजीशन पे लोअर हाइट पे उसको ला सकते हैं दस अलोइंगल लो चेसी हाइट तो इसकी वजह से जो चेसी हाइट है वो क्या हो जाएगी हमारी लो हो जाएगी और जो स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल है वो ज़्यादा बनेगी द ऑब्वियस डिसडवाटेज इज़ लेस ग्राउंड क्लियरेंस अब इसका डिसएडवाटेज क्या है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस इस केस में होती है वो कम होती हैं फर्दर दीज आर कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव ये ज़्यादा महंगे भी हैं डिफ़िकल्ट टू असेंबल असेंबल करना भी इनको थोड़ा मुश्किल है एंड नीड स्पेशल हाई प्रेशर लुब्रिकेंट और इनके लिए हाई प्रेशर लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्लाइडिंग एक्शन प्रेजेंट इन दिस केस ज्यादा स्लाइडिंग एक्शन इस केस में होता है तो ये चीजें हैं जो हमने इस सेशन में पढ़नी है इस सेशन में हमने फाइनल ड्राइव के बारे में पढ़ा फाइनल ड्राइव का काम किया है एक तो फाइनल रिडक्शन इन द स्पीड एंड टर्न द गर टर्न द पावर इन टू नाइंटी डिग्री ठीक है और ओके okay, यही चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं कि रिडक्शन कितने से कितने होती है क्यों डबल स्टेज जो रिडक्शंस हैं वो यूज की जाती है क्योंकि जो नहीं तो सिंगल केस में जो क्राउन का साइज है वो बहुत जो लार्जर गियर का साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है लार्जर रिडक्शंस के केस में ठीक है लगी कहाँ होती है फाइनल ड्राइव जो आपका डिफरेंशियल है उसके और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में जो इसकी शाफ्ट है शाफ्ट प्रोपेलर शाफ्ट के साथ यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़ी होती है फिर हमने इसमें आगे जो हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ गियर्स कौन कौन से हैं तो तीन टाइप के गियर्स होते हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए स्ट्रेट बेवल गियर्स स्पाइरल बेवल गियर्स एंड लास्टली हाइपोइड गियर्स ठीक है तो इनके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि स्ट्रेट बेवल गियर्स के टीथ स्ट्रेट होते हैं ये सिंपलेस्ट होते हैं और चीपेस्ट होते हैं स्पाइरल बेवल गियर्स के कर्व्ड टीथ होते हैं जिसकी वजह से हायर कॉन्टैक्ट जो टीथ का है वो रहता है और इसकी वजह से ये जो साइलेंट रनिंग होते हैं मतलब नॉइज़ कम करते हैं एंड दे आर स्ट्रोंगर देन दी स्ट्रेट बेवल गियर्स और लास्टली हाईपॉयड गियर्स इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल क्योंकि इसमें क्या है कि जो पिनियन और क्राउन की जो प्लेसमेंट है वो इस हिसाब से की जाती है ताकि जो प्रोपेलर शाफ्ट की प्लेसमेंट हो वो लोअर हो और आपकी जो चेस्सी हाइट हो वो भी कम आय सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर थैंक यू